हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रवि कुमार बोध पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको रंगपुरी पहाड़ी पीर बाबा पर घुमाने लेके आए हैं। जैसा कि आप बाहर का और अंदर का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। यह पीर बाबा एक ऐसा पीर बाबा है जिस पर आप हिंदू मुस्लिम सभी आकर पूजा करते हैं और चादर चढ़ाकर मन्नतें मांगते हैं। जैसा कि आप अंदर का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया हुआ है और माई वाइट कलर का गुंबद की तरीके से बना हुआ है। और आप देखेंगे अंदर की तरफ तो अंदर काफ़ी नज़ारा है और अंदर पीर बाबा की मज़ार है, जिस पर आकर आपको कोई भी मन्नत मांगनी हो उस पर आइए, मन्नत मांगिए। इसके बाद आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आप चादर आकर चढ़ा सकते हैं। वैसे आप प्रसाद में गुड़, चादर और जोत दिया सब कुछ आप कर सकते हैं। जो आप मन्नत मांगते हैं उसके आसार से आप सब कुछ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चारों तरफ का नज़ारा देखिए, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। हम आपको दिखा देते हैं, आप सामने देखेंगे तो एंट्री गेट है। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं उधर की तरफ से आपको एंट्री होगी। और अभी हम आपको बाहर देकर चलते हैं और बाहर का भी नज़ारा दिखाते हैं, बाहर से कैसा दिखता है देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके ऊपर आप कबूतरों को दाना डाल सकते हैं। देखिए काफ़ी कबूतर आपको ऊपर दिखाई भी दे जाएंगे, ऊपर की तरफ, सामने की तरफ। और ये बाहर से दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है बाहर से, आप देख सकते हैं। और ये पुराने ज़माने का है फ्रेंड्स, इसके अंदर पहले पुराने ज़माने में हाथी के बच्चों को रखा जाता था। और ये थान है, ये देख सकते हैं आप पीर बाबा के यहाँ पर। और आप सामने देखेंगे तो सामने काफ़ी प्राचीन कुआं है और कुएं के पास हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं अंदर से कुआं कैसा दिखता है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी पुराना, कम से कम 200 साल पुराने कुएं है ये। और अब देख सकते हैं अंदर से भी दिखा देते हैं हम आपको कैसा दिखता है। अभी अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको कूड़ा दिखाई देगा, लोगों ने कूड़ा जमा कर दिया है इसके अंदर। और काफ़ी साल पुराना कुआं है, जैसा कि आप देख सकते हैं पत्थरों से बना हुआ है पूरा का पूरा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।